बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अमारा। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी बर्गर की। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस वक्त मैं रिकॉर्ड करना ये मतलब रिकॉर्ड किया था लेकिन वो मिस हो गया है। मैंने चिकन में टिक्का मसाला ऐड किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था और दही 1 टेबल स्पून ऐड किया था बस, और इसको अच्छी तरह मैरिनेट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको फ्राई पैन में डाल दिया है और इसमें मैं अब कुकिंग ऐड। ये देखिए हमारी चिकन अच्छे से गल गई है, ये देख लें। ठीक है, इसको तकरीबन 5 मिनट, क्योंकि बोनलेस चिकन थी 5 मिनट मुश्किल से लगे। मैं तो इसका पानी खुश कर लूँगी, इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके जो इस तरह से छोटे छोटे पीस कर दूँगी, ठीक है, ताकि ये जब बर्गर में इसको हम रखें तो ईजीली खा ली जाए। ठीक है, इस टाइम पे मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं 1 टेबल स्पून जितनी पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दूँ वो मैंने ऐड की है। अच्छा, अब ये जो है मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। अगर आप लोग के बच्चों को थोड़ी वेजिटेबल पसंद हो तो वेजिटेबल डाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल दी कि अच्छा सा वो थोड़ा सा जूसी जूसी सा हो जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ऐसी लंच के लिए भी आप बना सकते हैं, और अगर बच्चों को अगर आपने चिकन बना के रखी है तो फिर वो आप लोग जल्दी से फौरन से ये बच्चों को बना के दे सकते हैं कि आराम से फटाफट चिकन तो गली भी अगर पका के आपने रख दिए तो फिर और ही अच्छा हो जाता है कि बस बन आपने लिया और उसको प्रिपरेशन की। और अच्छा जी, ठीक है, ये हमारे पास ये स्पून ये बोई वाला है हमारा, ठीक है, चिकन वाला, इसको मैंने इस तरह से कि अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए मिर्चें हल्की रखी हैं ज़रा सा, बस मैंने उसमें टिक्का मसाला डाला था क्योंकि फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उनको मिर्चें इतनी लग रही होती हैं कि वो खाते खाते बस सिर्फ पानी ही पीते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल पूरा कट नहीं किया था, बस सिर्फ इधर से ज़रा सा कट कर लिया था। ठीक है, अभी चिकन है काफ़ी सारी, वैसे चिकन हो गई है तो ये होगा इसमें कि मेरे पास ये तकरीबन मेरे पास इसके 3 से 4 मेरे बन जाएंगे। बच्चे जो हैं थोड़ी थोड़ी चिकन डालेंगे क्योंकि फिर वो ऐसा ना हो खाते हुए गिरा, तो काफ़ी पतली सी लेयर ही रखूँगी मैं कि वो गिरे नहीं खाते टाइम ना। ये देखिए इस तरह से पूरी इस तरह से कर दी। ठीक है, अगर आपके बच्चे वेजिटेबल पसंद करते हैं तो आप इसमें वो शिमला मिर्च वगैरह ऐड कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छे से मैंने थोड़ा सा सोया सॉस 1 टीस्पून जितना और चिली सॉस भी डाला था कि टेस्ट जो है बहुत अच्छा सा हो जाए। और इस पर मैं ऐड करूँगी, इस मेरे पास ये देखिए थोड़ी सी रखी हुई थी, तो इसमें चीज़ रखी हुई है तो बच्चों को आपको बड़ा चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रेट करके, ठीक है, इस तरह से अच्छा ये मैंने फिर इसमें क्योंकि चीज़ डाली थी उसको मेल्ट करना है, उसी मैंने फ्राई पैन में इसको रख दिया है। नीचे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, हल्की आंच की है, अब इसको मैं ढक दूँगी। ठीक है, तो जल्दी से ये फटाफट क्योंकि फ्राई पैन गर्म है, ये अभी हो जाएगी मेल्ट। ये देखिए आप ये रेडी है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया है कट। ये देखिए मेल्ट हो गई हमारी चीज़ पीस और बड़ा अच्छा सा हो गया है, ये देखिए नज़र आ रही होगी आपको। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं।